ओम शांति। आज है 26 मार्च 2022 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। प्रश्न, कौन सी प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? उत्तर, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, यह प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। गीत, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी, बाप ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात के राही, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। यह है बेहद की रात और दिन, बेहद की रात पूरी होती है और बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों को, आत्माओं को जाना है अपने घर, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु तुम बाप को ढूंढ न सके, क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया है। अब तुम जानते हो बाप दिन में अथवा कलयुग से सत्युग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने समझाया है, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। भारतवासी बाप को ही भूल गए हैं। गीता का भगवान निराकार, उसके बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा है। भूल निमित्त बनी है दुख भोगवाने के। यह भी ड्रामा का पाठ नुंधा हुआ है। भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं। अगर बाप को जान ले तो भटकने की दरकार नहीं। तुमने अब बाप को जाना है। श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए, फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ न हो, जट सब जान जाएं। परंतु यह तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो। कृष्ण को तो कोई भूल ना सके, सारी दुनिया एकदम सटक पड़े। समझे, श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, क्योंकि वह तो स्वर्ग का मालिक है, उनको कोई छोड़े ही नहीं। परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती है तो कहां कहां डिसर्विस कर देते हैं, क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है जो किसको अच्छी रीति सिद्ध कर हिसाब किताब बता सके। इस समय सब पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पावन बनाने वाला कौन है यह कोई नहीं जानते। गीता का भगवान कृष्ण समझ लिया है, राम का तो कोई शास्त्र नहीं है। ऐसे नहीं रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है, क्षत्रिय धर्म कोई राम ने नहीं स्थापन किया। ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ ही शिव बाबा स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। राजा रानी तो एक होता है, बाकी प्रजा और दास दासियां तो अनेक बनते हैं। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियां थी, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए। डांस का शौक तो वहां भी बहुत ही रहता है, बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते हैं जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। पहली बात यह समझानी है कि भगवान को न जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। निराकार बाप ही सबका रचयिता है, उसे को ही याद करना है, वही राजयोग सिखलाते हैं। परंतु गीता में जो कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम लेते हैं। अब बताओ, क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? वह निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है, सब मुझे हुए हैं।
अब तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है समझाने की, राजा जनक का मिसाल। कहते हैं अष्टापा ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु यह कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, यह है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा कुमारियां यह ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियां नहीं। वह लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, परंतु नहीं। ईश्वर तो बाप है, बाप का नाम ही शिव है, ब्रह्म तो तत्व है। यह सब बातें मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। नंबर वार दास दासियां भी बनते हैं, समझना चाहिए। अगर हम किसको अच्छी तरह समझा नहीं सकते हैं तो हमारा पाठ पिछाड़ी में है, तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। सारी दुनिया में जो जो कुछ सिखलाते हैं वह देह अभिमान से ही सिखलाते हैं। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो आत्म अभिमानी बनते हैं, हम आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती है, आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती हूँ, मेरे ऑर्गन्स खराब हैं। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है। सत्युग में देही अभिमानी रहते हैं, बाकी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं मेरा सिमरण वहाँ कोई नहीं करते, वहाँ दरकार ही नहीं। सिमरण अथवा याद एक ही बात है। वो लोग माला हाथ में लेते हैं, मुख से राम राम कहते हैं। यहाँ तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग हो जाता है, राइट अक्षर है शिव बाबा, परंतु शिव शिव भी कहना नहीं है। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़े ही लिया जाता है। बाप को याद करना यह है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो भी याद रखते हैं। हम अमरनाथ पर जाते हैं, वो नाम तो लेना पड़ता है ना। तुमको कुछ भी जपना नहीं है, तुम जान गए हो नाटक पूरा होना है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, यह पुराना चोला छोड़ना है। पाठ बजाते बजाते पतित होना ही है। बाप कहते हैं यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उनका थुर सड़ गया है, बाकी टाल टालियां बची हैं। यह भी तमो प्रधान हो गए हैं। झाड़ की आयु अब पूरी होती है, फिर से नाटक रिपीट होना है। हर एक अपना अपना पाठ बजाएंगे, दूसरी कोई दुनिया नहीं है। अगर होती तो हम पढ़ते क्यों? कहते हैं बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाओ, गीता ज्ञान सुनाओ, पावन बनाओ। परंतु पतित हम कैसे बने हैं यह कोई जानता नहीं है। अब तुम जानते हो हम ही पावन थे, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। अब बाप कहते हैं वापस घर चलना है, घर में तो बाप ही रहता है। कहते हैं परम धाम में रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती हैं, यह सृष्टि है इसमें मनुष्य रहते हैं। ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं, फिर आती हैं यहाँ पाठ बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सबके पृथ्वी पर हैं, बाकी शरीर कहाँ है? वह तो आकाश तत्व में ही है। वहां तो आत्माएं स्टार्स रहती हैं, वहां गिरने की चीज नहीं जो हम गिर पड़ेंगे। साइंस वाली रॉकेट में जाते हैं, चक्र लगाने फिर बाहर भी निकलते हैं, पर लिखते भी हैं गिरने का डर नहीं। इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते हैं। तो इतनी छोटी सी आत्मा महातत्व में क्यों नहीं ठहर सकती? रहने का स्थान वहां ही है। यह सूर्य चांद स्टार्स बहुत बड़े हैं, यह कैसे ठहरे हुए हैं? कोई रस्सी आदि तो नहीं है, यह सारा ड्रामा बना हुआ है। हम 84 के चक्कर में आते हैं। यह झाड़ है, कितनी बड़ी टाल टालियां है, बाकी छोटे छोटे थोड़े ही देख सकेंगे। बाबा भी नटशेल में समझाते हैं, जो पीछे पीछे आते हैं वह जरूर थोड़े जन्म ही लेंगे, बाकी एक एक का हिसाब नहीं बताएंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है, जिससे स्थापना हुई उनको ही फिर पालना करनी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही देवताएं अलग अलग हैं, बाकी ऐसे नहीं ब्रह्मा को तीन मुख हैं, ऐसे हो न सके। बाप कहते हैं बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो, बाप आकर समझदार बनाते हैं। अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो, तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली,
तुमको ही मंदिर लायक बनाया, अब राजधानी स्थापन हो रही है। जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर वन में जाते हैं, स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो बैठे हैं, और फिर बैकुंठ में भी देखते हो। पहले बहुतों को साक्षात्कार कराया गया, फिर सब थोड़े ही कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वह एकदम थम ठहर जाते हैं। बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कई फिर ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। पहले ही कहावत है, अभी भी यह सब कुछ होता ही रहता है। कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे भागंती हुए थे, किस पर भी भरोसा नहीं, जैसे श्वास पर भरोसा नहीं। बाबा का बनकर फिर भी मर जाते हैं, ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर भी मर जाते हैं, अथवा हाथ छोड़ देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं, तुम ऐसे समझो तो हमको अब अपने स्वीट होम में जाना है, इसलिए बाप और घर याद पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया है, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। जानते ही नहीं तो जा कैसे सकेंगे, वह रूहानी राही बन कैसे सकते। तुम अपूरे राही बने हो, जो जास्ते याद करते हैं उनके पाप कटते जाते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना है, पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी यह सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा है। यह है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। याद से विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है रात के राही थक मत जाना, कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना। सबको वापस जरूर जाना है, रूहानी घर को याद करना है, रूह को अब जाना है, जिस्म का भान छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है। यह है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, पक्का निश्चय बुद्धि बन त्वरित संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। नंबर 2, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है, मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, वे सदा सर्वशक्तियों की अनुभूति करते हुए विजय बनती हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है, इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं, इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। स्लोगन, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ओम शिवोहम, हम सो सोहम, इन शब्दों का यथार्थ अर्थ। ओम शांति। यह जो शब्द उच्चारण करते हैं
हमसो सोहम शिवोहम अहमात्मा सो परमात्मा। अब यह महावाक्य कौन उच्चारण करते हैं और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है? जब ओम अक्षर कहते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ यह अक्षर नहीं कह सकते हैं। फिर तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तो यह ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर जब हम सो हम शब्द कहते हैं तो उस शब्द का अर्थ है हम सो पूज्य सो अपुचारी बने। हम सो पूज्य, अब यह शब्द भी आत्मा ही कह सकती है। यह जो मनुष्य कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, अब यह शब्द सिर्फ परमात्मा ही कह सकता है क्योंकि वही एक आत्मा परम आत्मा है। फिर यह जो शिवो हम शब्द कहते हैं वो भी परमात्मा कह सकते हैं क्योंकि वो शिव हैं। तो इन शब्दों के अर्थ को भी तब जानते हैं जब परमात्मा आकर यह नॉलेज देते हैं। बाकी और धर्म वालों को, क्रिश्चियन आदि को यह मालूम नहीं कि हम सो पोप बनूंगा, उन्हों को यह नॉलेज ही नहीं है। अभी हमको यह नॉलेज मिली है कि हम सो देवता बनेंगे, हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र है और साथ साथ उन्हों के जीवन चरित्र हिस्ट्री गीता भागवत सामने है। क्योंकि हम आदि से अंत तक सारे कल्प के चक्र में हैं और वो धर्म पिताएं जब आते हैं तो वो कल्प के बीच में आते हैं, इसलिए वे हम सो शब्द नहीं कह सकते, ओम शब्द कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।